Hi everyone, and you're most importantly welcome to the platform of Krida Legal Start Act 2 in concern with GST and taxation. Guys, a very important information on to the ground for GST is that ये तीन जरूरी काम जो आपको 31 मार्च 2023 से पहले पहले करा लेने हैं. तो वो जरूरी काम क्या है? नंबर वन इज दैट कि अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और आप एक्सपोर्ट की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल प्रोस्पेक्ट है LUT का फाइलिंग. ठीक है, तो आप जल्द से जल्द 31 मार्च से पहले LUT की फाइलिंग कर लें जिससे आपको एक्सपोर्ट करते समय बेनिफिट्स मिल सके. नंबर टू इज दैट कि भाई आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा. अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले पहले ऐसा काम जरूर कर लें. क्यों कर लें मैडम? रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर 1 अप्रैल से देखा जाए तो वो पैन नंबर आपका वैलिडेटेड नहीं होगा, इट विल बी एक्सेप्टेबल, आप उसे जहां भी लगाना चाहेंगे. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप एक रेगुलर कैटेगरी वाले टैक्स पेयर हो, नॉर्मल कैटेगरी वाले टैक्स पेयर हो, एंड दैट टू इंपॉर्टेंटली एंड प्रायोरिटिवली आप चाहते हो कि अपने व्यापार को आप कॉम्पोजिशन संविधान में रजिस्टर करना, बड़े पैमाने पे हो छोटे पैमाने पे रजिस्टर करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो बाय फाइलिंग CMP02 का फॉर्म. तो भाई आप CMP02 की फाइलिंग कर सकते हैं जिसमें आप नॉर्मल कैटेगरी से कॉम्पोजिशन यानी संविधान में वापस से रजिस्टर कर सकते हैं. सो ये तीनों प्रोस्पेक्ट्स आर अवेलेबल टू यू ऑल, एंड दैट टू इसका जो टाइम लिमिट है, जो बैरिगेटर है, दैट इज ऑफ 31st of March 2023. सो डू इट एज सून एज पॉसिबल गाइस इफ यू फील लाइक कन्वीनियंट. अगर आपको पसंद आ रहा है ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दे, डू लाइक इट, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रॉफिटेबल है, प्रोडक्टिव है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें. स्टे कनेक्टेड विद क्रिदा लीगल स्टार गाइस. थैंक यू सो मच.